हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश। टीवी रश का भौकाल यानी टीवी की बड़ी खबरें, जिसमें शामिल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नागिन 4 और दीपिका कक्कड़ भी। तो शुरुआत करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा से, जिसमें छाई है प्यार की बहार। और ये प्यार की बहार लेकर आए हैं टप्पू अपनी सपनों की राजकुमारी सोनू के लिए। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि टप्पू घुटनों के बल बैठकर सोनू को प्रपोज करता है और अपने प्यार का इजहार करता है, और ये सब पूरी गोकुल धाम सोसाइटी के सामने हो रहा होता है, जिसमें टप्पू के पिता जेठालाल तो हैं ही बल्कि सोनू के पिता भीड़े भी हैं। अब आने वाला है शो में बड़ा ट्विस्ट। सभी जानते हैं कि भीड़े सोनू और टप्पू के इस रिश्ते से खुश नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सबको सरप्राइज किया जेठालाल और चंपक लाल के रिएक्शन ने। दोनों ने टप्पू को शाबाशी दी और कहा कि टप्पू के लिए सोनू से परफेक्ट लड़की कोई और हो ही नहीं सकती थी। सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल बिग बॉस में एक दूसरे के करीब आ गए थे। क्योंकि बिग बॉस अब खत्म हो गया है तो शहनाज नए शो की तरफ बढ़ गई हैं, और उस शो का नाम है मुझसे शादी करोगे, जिसमें शहनाज अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही हैं। जहां फैंस ये प्रार्थना कर रहे थे कि काश शहनाज के स्वयंवर में सिद्धार्थ आ जाए तो बहुत अच्छा हो, और ऐसा ही कुछ होने वाला भी है। सिद्धार्थ शहनाज के इस शो पर आए और उन्हें देखकर शहनाज भागकर उनके गले लग गई। लेकिन ऐसे ही नहीं, बल्कि शहनाज की आंखों पर पट्टी लगाई गई थी और उन्हें हाथ लगाकर लोगों को पहचानना था। जैसे ही वो सिद्धार्थ के पास पहुंची, उन्होंने सिद्धार्थ को तुरंत पहचान लिया, लेकिन उनकी आंखों में पट्टी बंधी थी तो वो कुछ कह नहीं पाई। बस उन्होंने इतना कहा कि मुझे ये सिद्धार्थ शुक्ला वाली फीलिंग दे रहा है। जैसे ही उनकी आंखों से पट्टी हटी और उन्होंने देखा कि वहां सिद्धार्थ खड़े हैं, वो भागकर उनके गले लग गई। हमने पहले आपको बताया था कि पारिक परिवार के भाइयों ने मिलकर चट्टान से नीचे धकेलकर नयनतारा की हत्या कर दी है, और ये बात उन्होंने खुद कबूल भी की थी। लेकिन अब शो में आने वाला है ट्विस्ट। नागिन 4 के आने वाले एपिसोड में नयनतारा और वृंदा के जीवन के बारे में एक और चौंकाने वाला सच सामने आने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि नयनतारा को सच में पारिक भाइयों ने मार दिया, तो ये सच नहीं है। दरअसल नयनतारा अभी भी जिंदा है, लेकिन उस पर दुष्ट विशाखा ने कब्जा कर लिया है। मंदिर में एक ऊंची दीवार के पीछे विशाखा द्वारा नयनतारा को बंदी बनाया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्यों, तो विशाखा ने नागमणि के लिए ऐसा किया है। चौंकाने वाली बात ये है कि वृंदा भी अपनी माँ के लिए प्रार्थना करने मंदिर पहुँचेंगी, जिसके बाद उन्हें मंदिर के पीछे एक छाया दिखाई देगी, लेकिन विशाखा उन्हें भटका देती है और कहती है कि उसे अपनी माँ को खोजने के बारे में सोचना चाहिए। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। क्या विशाखा नयनतारा को प्रताड़ित करेंगी और वृंदा और देव के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी? क्या वृंदा को पता चलेगा कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है, और वो क्या उसे बचा पाएंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ शो कहां हम कहां तुम की दीपिका कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने वाले कुछ लोगों को लताड़ा है। बता दें कि बहुत समय से दीपिका शोएब और उनकी बहन सबा के साथ अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं, जिस पर कुछ लोग उन्हें ट्रोल करते हैं और कहते हैं कि वो बेमतलब का पीडीए करती हैं, यानी कि शोएब और उनकी बहन सबा को प्यार करने का दिखावा। इस पर दीपिका ने अब एक करारा जवाब देते हुए पोस्ट शेयर किया है। दीपिका ने शोएब और सबा के साथ अपनी एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, हाँ मेरी जिंदगी, मेरी पूरी दुनिया इन्हीं दोनों में बसती है। अपनी जिंदगी से ज्यादा मैं इन दोनों को प्यार करती हूँ। जो ये बात समझते हैं वो मेरे अजीज हैं, जो नहीं उन्हें मैं कुछ नहीं समझा सकती। और अगर ये पीडीए है तो पीडीए ही सही, लेकिन कम से कम मेरे पास इतना फालतू वक्त तो नहीं है कि किसी और की जिंदगी की खुशियों को किसी की फैमिली को बुरा बोलूं। लगता है अब तो दीपिका के ट्रोलर्स चुप हो जाएंगे। रियलिटी शो बिग बॉस का सीजन 13 जीतने के बाद भी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला विवादों से हटने का नाम नहीं ले रहे। शो के ग्रैंड फिनाले के कुछ ही घंटों पहले एक्स विनर शिल्पा शिंदे ने सिद्धार्थ शुक्ला पर कई गंभीर आरोप लगाए और उन्हें लेकर हैरान करने वाले खुलासे भी किए। अब इसी को लेकर सिद्धार्थ शुक्ला ने पहली बार अपना रिएक्शन दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला ने शिल्पा शिंदे संग अफेयर पर जवाब दिया है। सिद्धार्थ ने ये भी कहा है कि मैं शिल्पा को अच्छी तरह से जानता हूँ,
मुझे नहीं लगता कि शिल्पा ऐसी इंसान है जो इस तरह के दावे करेंगी। मैं अभी अभी बिग बॉस हाउस से बाहर आया हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। मुझे पहले जानना होगा कि शिल्पा ने आखिर क्या कहा है। आपको बता दें कि शिल्पा शिंदे ने अचानक फिनाले से पहले सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर खुलासा किया कि दोनों साल 2011 में रिलेशनशिप में थे। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ के साथ रिलेशन और डेटिंग का उनका बहुत बुरा अनुभव है। शिल्पा ने दावा किया कि सिद्धार्थ ने कई बार उनके साथ हिंसक बर्ताव किया है और उन्हें गालियां भी दी हैं। टीवी की छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी रश का स्पेशल वीडियो टीवी रश का भोकाल।